इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एटेरेक्स सिरप को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाना चाहिए। इसे बिल्कुल वैसे ही लें जैसे कि डॉक्टर ने पर्ची में लिखा है। डोज और कितनी बार आपको इसकी ज़रूरत है यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं। आपका डॉक्टर यह तय करेगा कि आपको अपने लक्षणों में सुधार करने के लिए कितनी आवश्यकता है। जब तक आपके लिए इसे लेने की सलाह दी गई हो तब तक इसे लें। अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो याद आते ही अगली खुराक लें। हालांकि आपको कभी भी डबल डोज नहीं लेना चाहिए। इस दवा के सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में दवा खाने के बाद आने वाली नींद, मिचली आना, उल्टी, पेट खराब होना और कब्ज शामिल हैं। अगर आप इनसे परेशान हैं या स्थिति गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं। इलाज के दौरान गाड़ी चलाने या ध्यान से किए जाने वाले कार्यों से बचना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको हार्ट की समस्या या हाई ब्लड प्रेशर या लिवर या किडनी से संबंधित समस्या हो तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। आमतौर पर इस दवा से इलाज के दौरान शराब पीने से बचने की सलाह दी जाती है। एटेरेक्स सिरप के लाभ। चिंता का इलाज। एटेरेक्स सिरप अत्यधिक चिंता तथा चिंता के लक्षणों को कम करता है जो केवल तनावपूर्ण स्थितियों के समय ट्रिगर होते हैं तथा कम समय के लिए रहते हैं। ये नौकरी के साक्षात्कार, परीक्षा, स्टेज परफॉर्मेंस आदि हो सकते हैं। यह बेचैनी, थकान, ध्यान लगाने में कठिनाई और चिड़चिड़ापन महसूस करने की भावनाओं को असरदार तरीके से रोक सकता है। इस प्रकार से एटेरेक्स सिरप की मदद से आप अपनी दैनिक गतिविधियां और अधिक आसानी से कर पाएंगे और आपकी उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो भी इस दवा का सेवन करते रहें। अचानक बंद करने से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। एटेरेक्स सिरप इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन के साथ एक्जेमा, डर्मेटाइटिस और सोराइसिस जैसी त्वचा की कंडीशन का इलाज करने में असरदार है। यह शरीर में रसायनों के कार्यों को कम करके काम करता है जो त्वचा की सूजन का कारण बनते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर यह एक सुरक्षित और प्रभावी इलाज है। यह एक इरिटेंट के प्रति आपकी त्वचा की रिएक्शन के कारण होने वाली लालिमा, रैश, दर्द या खुजली को कम करता है। इस प्रकार यह आपकी दिखावट में परिवर्तन के साथ ही आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बेहतर बनाता है। एटेरेक्स सिरप के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। एटेरेक्स के सामान्य साइड इफेक्ट। दवा खाने के बाद आने वाली नींद, मिचली आना, उल्टी, पेट खराब होना, कब्ज। एटेरेक्स सिरप का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जाँच कर लें। इसे मापने वाले कप से मापें और फिर पिएं। इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं। एटेरेक्स सिरप को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।